पंचायत निर्वाचन पाई बीजेपी रो जोरदार प्रस्तुति राज्य स्तररु नै बूथ स्तर पर्यंत केमिति रहिछि दलर स्थिति से नै समीक्षा करबाकु 3 दिनिया ओडिसा गस्तरे आछन्ति बीजेपी साधारण संपादक तरुण चुग। प्रथमे राज्य कार्यालय रे दलर वरिष्ठ पदाधिकारी एवं विधायक ओ अन्य नेतामानकु नै बसिथिला बीजेपी रो कार्यकर्ता बैठक। एही बैठक रे पंचायत पई दल प्रस्तुत करिछि स्वतंत्र रोडमैप। तेबे बैठक परे ओडिसा गस्तरे थिबा राष्ट्रीय साधारण संपादक तरुण चुग राज्य सरकारक उपरे करथिले जोरदार हमला। कहिथिले राज्य सरकार केन्द्रीय योजना को कॉपी पेस्ट करी निजर आत्मप्रचार करछंती। केन्द्रीय अर्थरे निज पोस्टर मारी बाहाबा नेउछंती राज्य सरकार। राज्य रे चासी समस्या देखा दैछि। राज्य सरकार चासी मानकु अणदेखा करछंती। रबी ओ खरीफ फसल समय रे चासी को ठारु धान किणिबारे राज्य सरकार विफल होछंती। राज्य सरकार आलस्य भ्रष्टाचार उदासीनता स्पष्ट जमापड़ी। दुई दशंधीर शासन पीढ़ी पर्यंत चलिया पी लगुच। प्रदर्शन मापदंड राज्य सरकार फेल मार। राज्य सरकार शासन में ओडार जनता अतिष्ठ हो पड़े। युवक मान स्वप्न पूरण करने राज्य सरकार दृढ़ पदक्षेप ने कथा किंतु ताशार देखा मिलला ना। शिल्प और कृषि क्षेत्र पर समस्त वर्गर लोक राज्य सरकार असंतुष्ट अच्छा। ओडिशा रा विकास रे राज्य सरकार बाधक साजिंटी। राज्य रे अनेक गरीब लोकों घरे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रे मागणा राशन पहुंची पारिना। प्रधानमंत्री लक्ष लक्ष चाषी को कृषक सम्मान निधि योजना रे आर्थिक सहायता जोगाय देउथुबा बेले राज्य सरकार चाषी को धानर एमएसपी दे पार नहंती बोली अभिजोग आनछंती तरुण। जब यहाँ के किसानों की समस्याओं को मैंने सुना कि यहाँ पर एमएसपी के लिए स्टेट गवर्नमेंट टोकन बांटती है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लफ वहां किया जाता है, प्रदेश के किसानों के साथ मजाक किया जा रहा, चाहे कोई फसल हो, अब रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, सरकार किसानों की फसल उठाने में असफल रही। सेपटे सांबादिक सम्मेलन जरिया रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 वर्ष कार्यकाल भीतर होइथिबा टिकिनिकी कार्यर हिसाब रखिछंती। विशेष करी से कहिछंती गरीबंक जीवन रे परिवर्तन आनिबा पई विभिन्न जनकल्याण योजना लागू करा जाइछि। 2014 परे जनधन योजना रे 40 कोटी लोकंकु बैंक सुविधा जोगाई दिया जाइछि। 10 कोटी लोकंकु जीवन बीमा मिलिछि। 23 कोटी लोकंकु दुर्घटना बीमा मिलिछि। 10 कोटी लोकों घरे शौचालय निर्माण करा जायछि। 11 कोटी लोकों घरे मागणा गैस संयोगीकरण करा जायछि। 50 कोटी लोकों आयुष्मान भारत योजना रे शामिल करा जायछि। 3 कोटी लोकों अटल पेंशन योजना रे लाभ मिलिछि। मोदी सरकार गरीब लोकों जीवन रे अनेक परिवर्तन आनछंती। प्रधानमंत्री पक्का घर, रोसेई गैस, जीवन सुरक्षा बीमा, मागणा स्वास्थ्य सेवा, पेंशन भली जनकल्याणकारी योजना करी कोटि कोटि गरीबों पाखरे पहुंचाइछंती। देशरे 7900 जन औषधी केन्द्र खोल जाए सुलभ दर में औषध जोगाइबार व्यवस्था होती। घर घर नल जगे शुद्ध पा पहुंचाइबा लक्ष्य जल जीवन मिशन में 7,75,00,000 लोकों घरे पानी जोगाई दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना 1.12 कोटी लोकों पक्का घर जोगाई दिया जाए। कोरोना महामारी विरुद्ध टीकाकरण कर प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ अवदान रही। एपर्यंत 40 कोटी ऊर्ध व्यक्ति टीकाकरण कर जहाँकि आमेरिका और रूस जनसंख्या भी अधिक। आगामी 31 डिसेंबर सुधा 200 कोटी लोकों टीकाकरण कर लक्ष्य रही। महामारी समय रे किसी खल प्रकृति लोक राजनीति करने अत्यंत दुर्भाग्यजनक। कोरोना हार और मानविकतार विजय हेब यह लक्ष्य मोदी सरकार प्रथम दिन कार्य कर। हमारी लड़ाई व्यक्तियों और पॉलिटिकल पार्टियों की नहीं है, यहाँ लड़ाई महामारी के साथ है। और महामारी की लड़ाई में अगर महामारी हारेगी तो मानवता जीतेगी, ह्यूमैनिटी जीतेगी। और यह संकल्प प्रधानमंत्री ने प्रथम दिन से लिया कि महामारी को भारत हराएगा और मानवता जीतेगी। और देश के नागरिकों ने भी इसमें बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन की। 22 मार्च 2020 की थाली बजाने से लेकर कर्फ्यू तक और सेवा के माध्यम से हो, हर एक पड़ाव पर भारत के नागरिकों ने बहुत विश्वास के साथ, गंभीरता के साथ, साहस के साथ
इस लड़ाई को के दो मुड़ाव जीते हैं। निश्चित रूप से भारत इस महामारी को हराएगा। मानवता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मानवता को जिताएगा। बैठक में राज्य सभापति समीर महांती, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र सामिल होते। तीन दिनिया ओडिशा गस्तर आसीबा तरुण 20 कार्यकर्ता बैठक करिवार कार्यक्रम रही। बूथ स्तर नहीं राज्य स्तर सांगठनिक कर्मी और पदाधिकारी आलोचना करेंगे। यह समय खोर्धा ब्रह्मगिरी पूरी गस्तर कार्यक्रम रही। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।